दिल्ली में मेट्रो और बीटीसी बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की घोषणा आज केजरीवाल सरकार कर सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो और डीटीसी में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा दे सकती है। परिवहन मंत्री ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इस योजना को लागू करने की तकनीकी पहलुओं पर काम करने को कहा गया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार DMRC से यह योजना लागू करने का तरीका भी पूछा गया है। योजना DTC की बसों में लागू करने पर प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। दिल्ली सरकार इसे वहन करने के उपाय ढूंढ रही है। वैसे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो व DTC के अधिकारियों से कहा कि यह योजना हर हाल में जल्द से जल्द लागू करनी है। बसों व मेट्रो में करीब 33% यात्री महिलाएं होती है। सरकार इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ विधानसभा चुनाव के पूर्व लागू करने की सोच रही है। मेरठ दिल्ली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तक को दिल्ली सरकार ने 2 वर्ष में लटकाया हुआ है। अब तक के कार्यकाल में न तो एक भी बस बढ़ी है और न ही DTC बस सेवा में कोई सुधार। गुप्ता ने कहा कि अपनी फिलातों से ध्यान भटकाने के लिए CM केजरीवाल चुनाव से पहले एक शिगुफा छोड़कर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।